इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने एक वेबिनार में बोलते हुए ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को एज ए कमोडिटी कर सकती है और एज ए रेगुलेट कर सकती है, कमोडिटीज ट्रीट कर सकती है, ना कि एज ए करेंसीज। ये एक पहला स्टेप हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। इस वेबिनार में वजीरेक से सीईओ निश्चल शेट्टी और ब्लॉकचेन रिसर्च कंपनी क्रोवेको के सीईओ सिद्धार्था ने भी पार्टिसिपेट किया। ये वेबिनार कल हुआ यानी कि 17 को, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज सुभाष जी उसी कमेटी के हेड थे जिसने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए बिल लेके आए थे जिसमें 10 साल की सज़ा और 25 करोड़ तक का जुर्माना प्रपोज किया गया था। उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें लेके आ सकती है और जो आम नागरिक है जिसके पास कोई फाइनेंस की अभी तक पहुँच नहीं हो सकी है वहाँ तक उसको पहुँचा सकती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि कमोडिटीज़ की तरह ट्रीट करनी चाहिए, ना कि करेंसीज की तरह। और अगर वो कमोडिटीज़ की तरह ट्रीट की जाती है तो उनके ऊपर GST लग सकता है और गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है बिकॉज गवर्नमेंट का जो स्टैंस है वो काफ़ी ज़्यादा अब अच्छा लगने लगा है, पॉजिटिव आ रही है ये न्यूज़ बिकॉज सुभाष चंद्र जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं बिकॉज उनकी कमेटी ने ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए कहा था और अब वो कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया ऐसी रेगुलेशंस लेके आए। और उन्होंने ये भी बात करी है कि इंडिया को जो इंडियन रुपी है उसको डिजिटाइज करना चाहिए, यानी कि एक तरीके से CBDCs को लॉन्च करना चाहिए, जो ऑलरेडी हम बार बार क्रिप्टो न्यूज़ में भी कवर कर रहे हैं कि चाइना हो गया, चाहे कैनेडा हो गया, UK हो गया, USA हो गया, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं, इवन जापान भी काम कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके साथ उसको रेगुलेट करना चाहिए। रीज़न भी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं, एज ए कमोडिटी उसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आम नागरिक है जिसे नॉलेज नहीं पता उसको प्रोटेक्ट करे। और क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उसको लॉन्च कर सकता है और लोगों से पैसे ले सकता है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा वाजिब लगती है हमें कि उनकी तरफ से ये आया। उन्होंने कहा कि रेगुलेट करना चाहिए लेकिन एज ए करेंसीज को शो नहीं किया जा सकता बिकॉज इंडिया के पास खुद की अपनी करेंसी है। और उन्होंने इस बात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी कि इंडिया को डिजिटाइज करना चाहिए बिकॉज आने वाला टाइम जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे हुई हैं। और उसमें जो वेबिनार हुआ उसमें जो निश्चल जी हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी जो काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जिस टाइम पे, एक टाइम पे उन्होंने ये कहा सुभाष जी ने कि ज़रूरत क्या है इन क्रिप्टो करेंसीज की, क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया कि इथेरियम के ऊपर अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ती है वो इथर में करनी पड़ती है। तो वजीरेक्स के जो सीईओ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से ये समझाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये एज ए अल्टरनेटिव हो ना कि एज ए रिप्लेसमेंट। तो क्रिप्टो करेंसीज को एज ए अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि जहाँ पे इंडियन रुपी यूज़ नहीं किया जा सकता वहाँ पे हम US डॉलर भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक हो सकता है कि जिस तरीके का स्टैंस सुभाष जी ने दिखाया है, हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी यही स्टैंस हो और आगे आने वाले टाइम में हम रेगुलेशन देखें। इंडिया G20 ग्रुप का भी हिस्सा बन चुका है और G20 को ग्रुप है उसने ऑलरेडी कह चुका है कि वो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर जो भी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लेके आएंगे। और G20 का पार्टिसिपेट होते हुए इंडिया को भी रेगुलेशंस लेके आनी पड़ेंगी डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल करेंसीज को लेके। तो ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। तो जो न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक्स टाइम में कुछ देर पहले कि इंडिया बैन करने की कोशिश कर रहा है वो शायद सच ना हो, और इतनी बड़ी जो कहा गया था कि हो सकता है कि पूरा का पूरा बैन कर दिया जाए वो शायद इस टाइम पे पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करने की तरफ देख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो जो भी लोगों को डाउट्स थे वो शायद क्लियर हो जाएंगे इस वेबिनार के बाद जो उन्होंने सुभाष जी ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है एज ए कमोडिटी नॉट एज ए करेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है बिकॉज इंडिया के पास खुद की करेंसी है तो इंडिया नहीं चाहेगी कि और कोई करेंसी इंडिया में चल सके इस तरीके से जिससे लोगों को ऐसा लगे कि गवर्नमेंट इसको इंडोर्स कर रही है तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट ना हो जाए और इंडियन रूपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू ना आ जाए। तो गाइस ये जो क्रिप्टोकरेंसी न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंडिया के क्रिप्टोकरेंसी सिनेरियो के लिए। और हो सकता है आने वाले टाइम में जो इंडिया का क्रिप्टोकरेंसी स्पेस का साइज़ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए और हम इसके ऊपर आगे भी जो भी डेवलपमेंट होगी आपको कवर करते रहेंगे। तो गाइस आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक बटन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और आप जो भी हमारी न्यू वीडियो आती हैं आप उसे इमीडिएटली देख सकें। थैंक यू गाइस।